मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंदकुंदाय जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्व धर्मानाम जैनम जयतु साष्णम जैनम जयतु साष्णम वीतरागी देव शास्त्र जीवन प्रतिशत श्री जैन सिद्धांत प्रवेश का जी विराजमान है उसमें अगला प्रश्न लेना है। द्रव्य हुआ, गुण हुए, पर्याय हुई। अभी देखो गुणों के कितने भेद हैं। ये बात तो ठीक है कि द्रव्य गुणों का समूह है। ये बात तो ठीक है द्रव्य गुणों का समूह है। ऐसा कहने पर भी जब तक गुणों का स्वरूप नहीं मालूम हो, गुणों की महिमा नहीं मालूम हो, तब तक द्रव्य की महिमा नहीं आती। क्या कहा? तब तक द्रव्य की महिमा नहीं आती। हम आपको समझो, कोई सा भी दृष्टांत देखो, लोक में कोई वस्तु का नाम लेवे तो आप क्या जानना चाहते हो? महिमा कब आती है आपको? जब उसके गुणों का मालूम पड़े आपको। गुणों का नाम नहीं मालूम हो तो आपको उसकी महिमा नहीं आती है, है ना? वो बात यहां पर देखो, समझ लो कोई अमेरिका की मिठाई का नाम ले लो, अरे तो अमेरिका का नाम है कहीं की भी। ऐसा हमारे देश में हमारे गांव में एक बहुत बढ़िया मिठाई बनती है। अब मैंने नाम कुछ भी लिया उसका, नाम कुछ भी हो तो आपको क्या समझ में आया? कुछ नहीं आया। नाम तो सुना आपने, लेकिन जब उसकी कंटेंट्स बताए जाते हैं, उसकी क्वालिटी बताई जाती है, उसके गुण बताए जाते हैं तो आपको बहुत महिमा आती है, है ना? ऐसे यहां पे देखना, गुणों के कितने भेद हैं कि दो भेद हैं। गुणों कितने भेद हैं? दो, सामान्य और विशेष। सामान्य और विशेष। गुण कितने प्रकार के हुए? दो। कौन कौन से? सामान्य और विशेष। पहला कौन सा था? सामान्य, और दूसरा विशेष। अच्छा ठीक है, तो गुण दो प्रकार के हुए, सामान्य गुण और विशेष। अभी देखो मैं परिभाषा बताता हूं, याद करा देता हूं। सामान्य गुण किसे कहते हैं? बहुत सरल है, ध्यान से सुनना। सामान्य गुण किसे कहते हैं? जो सब द्रव्यों में रहते हैं उन्हें सामान्य गुण कहते हैं। जो सब द्रव्यों में रहते हैं, सब द्रव्यों में पाए जाते हैं, वो सामान्य गुण है, बराबर। जैसे समझ लो समस्त मनुष्यों की नाक है तो एक सामान्य चीज हुई, सामान्य चीज हुई ना, सभी मनुष्यों की नाक है ये सामान्य बात हुई। लेकिन यहां पर एक व्यक्ति, केवल एक व्यक्ति गंजा है तो ये विशेष हो गया, समझाए ना? ये विशेष हो गया। क्यों? क्योंकि सभी गंजे नहीं हैं। सब गंजे होते तो वो सामान्य हो जाता, समझाया कुछ? ये तो बहुत सरल दृष्टांत है। आगे देखो, सामान्य गुण किसको कहा? जो सब द्रव्यों में रहते हैं ऐसे गुणों को क्या कहा? सब द्रव्यों में रहते हैं ऐसे गुणों को क्या कहा? सामान्य गुण। अभी इसका अर्थ अपन बाद में करेंगे। अभी विशेष गुण किसे कहते हैं? जो सब द्रव्य में नहीं रहकर अपने अपने में रहते हैं उसे कौन सा गुण कहा? विशेष। ये तो समझ में आ गया। वो गंजा सिर एक का है, सबका नहीं है। सबका होता तो वो भी सामान्य हो जाता, एक का है इसलिए उसका नाम विशेष, बराबर, बराबर ना? अभी देखो सभी लोग कपड़े पहने हैं ये सामान्य, लेकिन एक लड़का काला शर्ट, काली शर्ट पहने हुए है, नीली शर्ट पहना हुआ है तो ये विशेष हो गया। अब तो समझ में आ गया। अभी तो अर्थ हुआ, अर्थ भाव बाद में बताएंगे, बराबर। फिर से सुनो, गुण कितने प्रकार के हुए? दो। कौन कौन से? याद हो गया? अच्छा तुमको याद हो गया? बोलना, खड़े हो गए, खड़े हो गए, जोर से बोलो। हाँ शाबाश, बहुत सुंदर। देखो इतने इतने से बच्चे, अच्छी बात है। सामान्य गुण और विशेष। सामान्य किसको कहा? जो सब द्रव्यों में पाए जाए। विशेष किसको कहा? जो सब में नहीं पाए जाते लेकिन अपने अपने में, माने
ये समझो, ये पांच उंगलियां हैं ना, ये पांच उंगलियों में विशेषता है। विशेषता है क्या? विशेषता है कि जैसा ये अंगूठा है ऐसा ए नहीं है, जैसी ए है ऐसी ए नहीं है, जैसी ए है ऐसी ए नहीं है, और ए है ऐसी ए नहीं है। विशेष हुआ ना, विशेष विशेष हुआ ना, बराबर। इसको कहेंगे विशेष। ऐसे छहों द्रव्यों में कुछ गुण ऐसे हैं जो अन्य में नहीं है, और कुछ गुण ऐसे हैं जो सब में हैं। तो गुण कितने प्रकार के हुए एक एक द्रव्य में? दो प्रकार के। कौन कौन से हैं? सामान्य और विशेष। अभी ध्यान से सुनो, देखो जो पुद्गल द्रव्य है ना, ये लकड़ी है ना, लकड़ी ये पुद्गल द्रव्य। इस पुद्गल द्रव्य में जो गुण है वैसा का वैसा गुण जीव में है, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है कि नहीं? ए भगवान सामान्य गुण है ना, तो छह द्रव्यों में सब में है क्या कहा? छह द्रव्यों में सामान्य गुण सब में है, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। नाम याद है? नाम याद है? छह नहीं, कोई बात नहीं, चलो तुमको याद है? नहीं कोई बात नहीं, नए बच्चे छोटे छोटे हैं। अच्छा फिर से, तो ये छह द्रव्य है ना, तो सामान्य गुण किसको कहेंगे? कि छह द्रव्यों में है। सामान्य गुण किसको कहेंगे? कि जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये छह में है, उसको कहेंगे सामान्य। लेकिन जो जीव में है वो पुद्गल में नहीं है, पुद्गल में है वो जीव में नहीं है, धर्म में नहीं है, अधर्म में नहीं है, आकाश में नहीं है, काल में नहीं है, उसको कहेंगे विशेष गुण। उसको कहेंगे जैसे 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 ये पुद्गल दिखाई देता है, यह मूर्तिक है, मूर्तिक दिखाई देता है, मॉर्टल पदार्थ है दिखाई देता है, लेकिन आत्मा नहीं दिखता, जीव नहीं दिखता, धर्म नहीं दिखता, अधर्म नहीं दिखता, आकाश नहीं दिखता, काल नहीं दिखता। तो ये दिखाई देना मूर्तिकपना, मूर्तिकपना ये पुद्गल का विशेष गुण हुआ। लेकिन लेकिन जीव की सत्ता है, पुद्गल की सत्ता है, धर्म की सत्ता है, अधर्म की सत्ता है, आकाश की सत्ता है, काल की सत्ता है, है 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 है, तो छह द्रव्य हैं, इसलिए अस्तित्व गुण सामान्य हो गया, सब में है। अब इसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे, पहले तो क्या कहा? गुण कितने प्रकार के हुए? दो। कौन कौन से? याद हो गए? बोलो, खड़े होके बोलो, उस तरह देख के बोल दो सबको जोर से। दो प्रकार के गुण हुए, सामान्य और विशेष। सामान्य माने जो छहों द्रव्यों में रहते हैं वो सामान्य गुण, बराबर बराबर। और विशेष गुण माने जो एक दम में रहता है, अगले पांच में नहीं रहे, नहीं रहे। मोटी बात लेना है अभी, और ज्यादा नहीं करना अभी इसमें, बराबर। तो ये क्या हुआ? सामान्य और विशेष। अच्छा परिभाषा याद हो गई, सामान्य गुण किसको कहा? जो, और विशेष गुण किसको कहा? ठीक। अब कितने प्रश्न पढ़ लिए अपन ने? तीन प्रश्न पढ़ लिए, तीन हो गए ना। गुणों के भेद, पहला प्रश्न कितने भेद हुए? दो। कौन कौन सा? शाबाश। अभी चलो सामान्य गुण की परिभाषा क्या हुई? जो, उसका नाम सामान्य। विशेष गुण किसको कहा? जो सब में नहीं रहते, अपने अपने में रहते हैं, उसको क्या कहा? कितनी बात तो हो गई, आगे चलें। सभी लोग ध्यान से सुनना, सामान्य गुण अनंत कितने? सामान्य गुण कितने? अनंत। विशेष गुण कितने? अनंत। विशेष गुण कितने? अनंत। सामान्य गुण कितने? अनंत। सामान्य गुण कितने अशोक भाई? अब सुनो, मैं फिर से कहता हूं, सामान्य गुण अनंत, विशेष गुण अनंत। क्या कहा हमने? सामान्य गुण अनंत, विशेष गुण अनंत। अभी अभी मैं बोलूंगा, अभी अभी सुनो, केवल अभी सुनो भैया। वो जो छह लिखे हैं वो तो तुम्हारे पास अनंत जानने की फुर्सत नहीं है इसलिए छह लिखे हैं, लेकिन छह नहीं है क्या कहा? छह नहीं है। आप चाहो तो मैं सातवां बता सकता हूँ, आप चाहो तो मैं आठवां बता सकता हूँ,
आप चाहो तो मैं 16वां भी बता सकता हूँ, आप चाहो तो 25वें नंबर का भी बता सकता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है, सामान्य गुण अनंत हैं और विशेष गुण भी अनंत हैं। लेकिन लेकिन का जवाब थोड़ी देर बाद देंगे, लेकिन का जवाब थोड़ी देर बाद देंगे। मैंने पहले आपको बता दिया सामान्य गुण अनंत हैं और विशेष गुण कितने हैं। अच्छा, सामान्य गुण अनंत और विशेष गुण अनंत किसमें हैं? सभी में, और अपने में बराबर है ना, अपने में भी है अनंत गुण बराबर। अच्छा एक मिनट, ये पुद्गल द्रव्य और मैं जीव द्रव्य, सामान्य गुण इसमें कितने हैं? अनंत। मेरे में कितने हैं? विशेष गुण इसमें कितने हैं? मेरे में कितने हैं? तो इसमें और मेरे में क्या अंतर है, क्या अंतर है? अब देखो गजब, बताना ये है कि तुम्हें ये लगता है इन पुद्गलों में क्या दम है, वो तो मेरे में है ना, मैं ज्ञान वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ, इसलिए तुम अन्य द्रव्य को कम समझते हो, अन्य द्रव्य को कम समझते हो। इसका ये नुकसान होता है कि तुम सम्यक दर्शन से चूक जाते हो, क्योंकि तब तुम्हें ये लगता है ये पुद्गल का परिणमन तो मैं कराऊंगा ना, ये पुद्गल की व्यवस्था तो मैं करूंगा ना, ये बिल्डिंग तो मैं बनाऊंगा ना, कपड़े तो मैं सिलूंगा ना, रोटी तो मैं बनाऊंगा ना। ऐसे क्यों? तुम पुद्गल में तो सब करते हो, और धर्म धर्म आकाश काल का कौन करता है? प्रश्न, जीव का तुमने कर लिया, पुद्गल का तुमने कर लिया, अब जो धर्म धर्म आकाश काल का ठेका किसका है और बता दो बस, हु इज मैनेजिंग, कौन मैनेज कर रहा है? पुद्गल जीव पुद्गल का तुमने मान लिया, 24 घंटा। आपको नहीं लगता है एक तो साहब हम अपने परिणाम सुधार सकते हैं, वो जीव का सुधार हो गया, और दूसरा ये पुद्गल का सुधार करते हैं, तीसरा मकान है, दुनिया है, बॉम्बे है, वर्ल्ड है, क्या? लेकिन हमारा प्रश्न है, तुम्हें ये लगता है कि पुद्गल में नहीं करें तो कैसे हो, तो फिर धर्म अधर्म आकाश काल का कौन करता है? और यदि आपको ये बात समझ में आ जाए, ध्यान से सुनना, यदि तुम ये कहो, बहुत मार्मिक मार्मिक, एक गुरुदेव श्री ने खोली ये बातें मैं आपको बता रहा हूं, यदि तुम ये मान लेते हो कि धर्म अधर्म आकाश काल का काम अपने आप हो जाता है, तो इसका मतलब है कि तुम अपनी नजरों में गिर चुके हो, इसका मतलब है तुम्हें चार द्रव्य की परिपूर्णता तो स्वीकृत है, अकर्तव्य तो स्वीकृत है, लेकिन एक जीव तुम्हें कमजोर दिखाई देता है, एक स्वयं का भगवान आत्मा कमजोर दिखाई देता है, जिसमें कुछ करना पड़ेगा। हीन कौन हुआ? चार द्रव्य तो महान हो गए ना, चार द्रव्य को तो किसी की जरूरत नहीं पड़ी ना, चार द्रव्य तो ऑटोमेटिक ऑटो मोशन समझते हो, स्वयं संचालित, सेल्फ मैनेज्ड, अनादि अनंत, अनंत गुणों की अनंत पर्याय, प्रति समय दरेक समय अनादि अनंत, तो ये चार कंप्लीट। क्या लोक में एक भगवान आत्मा ही कमी है? जैसे इसमें अनंत गुण है सामान्य और विशेष, ऐसे भगवान आत्मा में भी हैं। जैसे धर्म धर्म आकाश काल में अनंत विशेष अनंत सामान्य गुण हैं, ऐसे तुम में भी हैं। इससे सिद्ध हुआ कि 6 द्रव्यों की वस्तु व्यवस्था यदि परिपूर्ण जान ली जाए तो अकर्तत्व भगवान की दृष्टि हो जाती है, कुछ करना शेष नहीं रहता है, कुछ करना शेष नहीं रहता हो ख्याल में ऑटोमेटिक समझ में आया? फिर से सुनो 5 द्रव्यों में तो हमें कुछ नहीं करना, पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल में कुछ नहीं करना, 5 द्रव्यों की व्यवस्था बनाने के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं है। क्या कहा? 5 द्रव्यों को अनादि अनंत परिणमन करने के लिए किसी ज्ञान की मैनेजर की जरूरत नहीं है, ठीक है? यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं है ना? सुनो, जब 5 द्रव्यों को जरूरत नहीं है तो ईमानदारी की बात है कि जीव द्रव्य को ज्ञान इसलिए नहीं मिला कि तुम दूसरे की ठेकेदारी लो, जीव को भगवान आत्मा को ज्ञान इसलिए नहीं मिला कि वो टेंशन में डूबा रहे,
सारा घर का वर्ल्ड का टेंशन सिर पे ले रहे, इसलिए नहीं मिला तुम्हें ज्ञान। तुम्हें ज्ञान काय के लिए मिला है? क्या काय के लिए मिला है? ज्ञानमयी निज वस्तु मिली नित आनंद के लिए। काय के लिए? काय के लिए? नित आनंद, नित आनंद, नित। इसीलिए एक शब्द आया नित्यानंद। क्या क्या शब्द है? नौ सी एंड एंजॉय, नौ सी एंड एंजॉय। देखो जानो मौज करो, देखो जानो मौज करो, देखो जानो मौज करो, कुछ करना ही नहीं। जब जब पांच द्रव एक्यूरेट काम कर सकते हैं तो छठा जीव द्रव जो पहले ही नंबर पे है, भगवान ने पहले नंबर पे लिया, वो अधूरा है, वो इनकम्प्लीट है, उसे किसी मैनेजर की जरूरत है। इससे सिद्ध हुआ कि मेरे में भी अनंत गुण सामान, अनंत विशेष, मुझे कुछ करने धरने की जरूरत नहीं। इतनी बात समझ में आई? अभी इसकी चर्चा और करेंगे अपन। अभी तो ये कहना है तो विश्व किसे कहा था? छह द्रव्यों के, और प्रत्येक द्रव्य में क्या थे? अनंत गुण। तो छह द्रव्य में क्या है? अनंत सामान्य गुण, अनंत विशेष गुण, कोई कम ज्यादा। अच्छा, और आगे चले। एक पॉइंट तो हो गया अकर्ता का, अकर्ता का एक तो हो गया ना पॉइंट। अभी दूसरा, सिद्ध भगवान में सामान्य गुण कितने हैं? अनंत। विशेष गुण कितने हैं? अनंत। और जैसे सिद्ध भगवान के अनंत सामान्य, अनंत विशेष गुण हैं, वैसे ही उतने ही तुम में है क्या? नहीं है? तो तुम में और उनमें क्या अंतर, क्या अंतर है, क्या अंतर है? बोलो ना, कुछ अंतर नहीं है। इसका नाम सम्यक दर्शन। तेरे मेरे अंतर को अविलंब निरंतर से भर दो। ए, क्या कहा? फिर से सुनो। तेरे, ध्यान से सुनना, अभी एक एक शब्द का अर्थ करूंगा। कौन से कह रहे हैं ये बात? भगवान से। तेरे मेरे अंतर को अविलंब, 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 इमीडिएट, एट द सेम मोमेंट, इसी वक्त, अविलंब, अविलंब निरंतर से भर दो। निरंतर माने, निरंतर माने कंटिन्यू नहीं, निरंतर माने कंटिन्यू नहीं, लगातार नहीं, निरंतर माने बिना अंतर का, निरंतर माने बिना अंतर का। अभी ध्यान से सुनना, ए ध्यान से सुनो, मार्मिक बात कहना मुझे। तुम्हारे, हे प्रभु, तुम्हारे और मेरे अंतर को बिना देर किए बिना अंतर का करो, अंतर मत रखो। अब मेरा ये प्रश्न है कि ये लाइन सही है कि गलत है, लाइन सही है कि गलत है? क्या तुम इसी समय सिद्ध बन सकते हो? क्या बन सकते हो? क्या तो फिर अविलंब निरंतर कैसे भर दें? माने अविलंब बिना अंतर का कैसे करें? क्या कहा? अविलंब माने विदाउट एनी डिले, निरंतर माने बिना अंतर का। तो भगवान में और हमें कोई अंतर नहीं रहे और आप इसी समय करो तो कैसे करें? और नहीं तो फिर ये पंक्ति गलत है भाई, अभी इस भाव में तो मोक्ष होना नहीं है। तो ऐसा कहना चाहिए, हे प्रभु, आप में और जो मेरे में अंतर है, आप अगले भाव में जरूर पूरा कर देना। ऐसा तो नहीं कहा? अब सुनो, सचमुच इमीडिएट, इमीडिएट, विदाउट एनी डिले आप भगवान को देखो। तेरे मेरे अंतर को अविलंब निरंतर से भर दो। हाँ भैया, अनंत सामान्य गुण उधर, अनंत सामान्य गुण इधर, अनंत विशेष गुण उधर, अनंत विशेष गुण इधर, अंतर क्या रहा, क्या रहा? अचल जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। अचल जी, आपने सुना होगा अचल जी को, कि हम तो किसी भी कीमत पर सिद्ध भगवान से कम नहीं है। यदि वजन करोगे
तो हम ज्यादा ही निकलेंगे क्योंकि साथ में जेबी है। माने जो जो इक्वालिटी है, इक्वालिटी आनंद सामान्य गुण विशेष गुण बहुत तो बराबर है ही, लेकिन हम तो वजन में ज्यादा निकलेंगे क्योंकि साथ में एक छिले हुए छिलके में, केले में, केले में छिला हुआ और एक छिलका सहित केले में अंतर ही क्या है? हमारा छिलका नहीं उतरा है, उनका उतर गया, इतना ही तो फर्क है। बाकी अनंत सामान्य गुण, अनंत विशेष गुण एक भी कम नहीं, दोनों बराबर है। इसका नाम सम्यक दर्शन हो गया। सम्यक दर्शन लो। अब भगवान को देखने मजा आएगा, अब आपको अब आनंद आएगा। अरे रे प्रभु है, एक क्या कहूं, दृष्टांत ही दें और कुछ दृष्टांत देता। देखो एक लड़का जिसकी सगाई हो गई, सगाई क्या बोलते हैं, एंगेजमेंट हो गई है ना, एंगेजमेंट हो गई, लेकिन अभी उसकी शादी 15 दिन बाद है, 15 दिन बाद, और आज उसकी फ्रेंड की शादी है, फ्रेंड की, तो फ्रेंड की शादी में गया, और फ्रेंड की शादी में गया तो सारा कार्यक्रम तो फ्रेंड का हो रहा है, बरमाला और ये नहीं वो ने सब, और उसे क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अब नहीं दिख रही है कि अब तो उसे कुछ और ही हो रहा है। ऐसे ही भगवान, आप यहां बैठे हो और मैं इधर खड़ा हूं, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि मैं ही बैठा हूं। क्या कह रहे, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, हमें तो ऐसा लगता है मानो मानो एक जयमाला है पूजा में, एक बहुत सुंदर जयमाला है, मैं सुनाता हूं। महाहर्ष मानो मिला मोक्ष ही हो, स्वयं ही प्रभु हो, दिखे आज मुझको। करो अर्थ सरल है हिंदी, विनय कर सकते, स्वयं ही प्रभु हो, दिखे आज मुझको, महाहर्ष मानो मिला मोक्ष ही हो। प्रभु आपने एक ज्ञायक बताया, तिहूं लोक में नाथ अनुपम जताया, खटकती है रागादी परिणति विकारी, अस्थिरता जन्य, कौन से जन्म हुई इसका, अस्थिरता जन्य, अस्थिरता से जन्म हुआ है जिसका, अस्थिरता जन्य महादोष भारी, महादोष भारी, खटकती है रागादी परिणति विकारी। लेकिन जैन दर्शन रोने नहीं देता, ये दो लाइन में तो ये बताया कि मेरे से जन्म नहीं हुआ है रागादी का, ये अस्थिरता से इनका जन्म हुआ, लेकिन मुझे खटकते हैं, मुझे मोहादिक रागादिक परिणति विकारी खटकती है, खटकती हो। जब तक अपने भगवान की खबर नहीं तब तक ये अच्छा लगता है, भगवान की खबर पड़ जाए तब तब होती तकलीफ। तो सुनो, विश्वास है नाथ ये शीघ्र मिटेगी, स्वभाव के सनमुख कैसे टिकेगी। ये नहीं कहा कि मैं इसे निकाल दूंगा, मैं इसका नाश कर दूंगा, मैं इसका अभाव कर दूंगा, ये नहीं कहा।
विश्वास है नाथ ये शीघ्र मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख ये कैसे टिकेगी, ये टिकेगी कैसे है? जब तक अपने भगवान की खबर नहीं है तब तक ही टिक सकती हैं, तब तक ही टिक सकती हैं, तब तक, इसके बाद नहीं टिक सकती। देखो एक दृष्टांत दूं, आपके दो प्रकार के मित्र होते हैं, मित्र फ्रेंड दो प्रकार के, एक 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 गंदी गंदी समझते हो, जिनकी गंदी आदतें होती हैं, बैड हैबिट्स, और एक की अच्छी आदत होती है, पढ़ाई लिखाई करते हैं आदि आदि। अब समझ लो तुम दुकान पे बैठे हो, ये समझ लो कि तुम्हारी दुकान है और तुम बैठे हुए हो, पिताजी है नहीं, तो जो गंदा वाला मित्र है ना, गंदा वाला मित्र बैड हैबिट्स वाला, वो ऐसे देखता है, तेरे पापा तो नहीं आ रहे, अब आके बैठ गया है, ऐसा होता है नहीं होता है? और फिर जैसे ही देखा कि इसके पापा आए, अच्छा तो मैं चलता हूं यार वो पापा को देख के टिक ही नहीं सकता, वो बैड हैबिट्स है ना उसकी, बैड हैबिट्स है ना उसकी, वो टिक कैसे सकता है? वो नहीं होता है ऐसा, नहीं होता। जिसकी गंदी आदत हो, जैसे समझ लो आपकी मित्र मिसेज थोड़ी तेज हो, मिसेज तो कई मित्र आते नहीं होंगे घर पे, कि भाई इसकी मिसेज बहुत तेज है और जो मिसेज नहीं हो गए घर पे तो आ जावे, और जैसी आवाज आई, अच्छा मैं चलता हूं, ठीक है कैसे? ये एक अशुभ भाव एक शुभ भाव, वीतरागी देव सास गुरु के सन्मुख आते ही बैड हैबिट्स, अशुभ मित्र, अशुभ भाव छोड़ के चले जाते हैं और शुभ भाव रह जाते हैं। लेकिन जब अपने परमात्मा के सामने जाते हैं तो शुभ भाव भी छोड़ के चला जाता है। अभाव नहीं करना है हमें तो कुछ करना ही नहीं है। परमात्मा उसे कहते हैं जिसे कुछ नहीं करना हो, प्रभु उसे कहते हैं जिसे कुछ नहीं करना पड़े। किसे कहते हैं? ऐसे हम प्रभु हैं, हम भगवान हैं, हमें विकारों को भगाना पड़े इसमें तो प्रभु की इंसल्ट है। न्याय समय में राजा होता ना, राजा, राजा के सामने किसी चपरासी ने, किसी व्यक्ति ने गलती करी तो वो ऐसा नहीं डंडा लेके भागे उसके पीछे, भाग, डंडा लेके नहीं भागता, वो उस गंदे व्यक्ति को देखता तक नहीं है, और वह केवल, सही बात तो है कि उसे कुछ जरूरत नहीं, वहां मंत्री खड़े हैं ना, मंत्री, वे उसे पहले ही गेट आउट कर देते हैं। राजा को ना तो उसे भगाने जाना पड़ता है और ना मंत्री को ऑर्डर करना पड़ता है, ऐ निकाल दो इसे, कि निकाल क्या दो, मंत्री खड़ा है इसलिए हमें अब कुछ सोचना ही नहीं है। पहली बात तो कर नहीं सकता, करेगा तो मिनिस्टर जो भी होंगे मंत्री वो अपने आप, राजा किसको कहते हैं? जिसको स्वयं कुछ नहीं करना पड़े। ऐसे भगवान आत्मा उसका नाम है जिसे कुछ नहीं करना पड़े और ऑटोमेटिक मोक्ष हो, ऑटोमेटिक अशुभ भाव चले जाएं, ऑटोमेटिक शुभ भाव चले जाएं। ठीक है, ये तो हुई आज की पूजा की बात, आज की पूजा की बातें हैं, लेकिन मुझे साल तो नहीं मालूम, लेकिन कम से कम 100-150-200 बरस तो हुए होंगे। हमारे पुराने जमाने में एक बहुत बढ़िया देव स्तुति लिखी थी, देव स्तुति, देव स्तुति है, उसमें एक पंक्ति आती, वो मैं सुनाता हूं आपको। इन्हीं तुम मुझ माही हे प्रभु अंतर डार्यो, इन्हीं इन्हीं माने आठ कर्म, इन्हीं माने आठ कर्म, ध्यान से सुनना, इन्हीं माने आठ कर्म, इन्हीं तुम मुझ माई हे प्रभु अंतर डार्यो, मतलब समझ में आए कि हम में और आप में अंतर नहीं था, अंतर नहीं था, आ प्रभु हम प्रभु अंतर नहीं था, लेकिन इन ही आठ कर्मों ने अंतर डाला, लेकिन हम भी प्रभु थे आप जैसे। ये बहुत पुरानी स्तुति है, हैं? सुनिए नहीं, पढ़िए नहीं, हैं? अहो जगत गुरुदेव सुनिए जिन अरज हमारी, नहीं जयमाला में नहीं, इसमें
अहो जगत गुरुदेव सुनिए जिन। हाँ भूधरदास जी है, बोलो। इसमें बहुत है, इसमें पूरा है उसमें, लेकिन मैंने तो एक पंक्ति बतानी थी, वो बता दी। पुराने भजनों में, वो पुराने भजनों में जिन्होंने पार्श्वनाथ भगवान का पुराण लिखा है उनका ये है, जिन्होंने राजा राणा छत्रपति लिखी उनका है। इन्हीं तुम मुझ माई हे प्रभु अंतर डार्यो, वैसे कोई अंतर नहीं था। इतनी बात भी समझ में आ गई। अब एक दृष्टांत दूं तो मजा आया आपको। देखो देखो, एक करोड़ रुपए का हीरा, एक करोड़ रुपए का हीरा, लेकिन किसान को खेत में मिला तो उसने कांच का टुकड़ा समझा उसे, कांच का टुकड़ा, और ला करके घर के आंगन में पटक दिया, पटक दिया, थोड़ा चमकीला या अच्छा है ऐसा समझ के पटक दिया। ध्यान से सुनना, अभी वो कांच का टुकड़ा समझता है तो वो कितने रुपए में बेचेगी उसे पुण्य का उदय लगे। यदि कोई व्यक्ति आकर अचानक कहे कि भैया जो पत्थर है 10 रुपए में ले रहे, 10 रुपया में, तो वो सोचेगा अरे 10 रुपया में, हम तो इसे पत्थर समझ रहे हैं, कांच का टुकड़ा है, ये बड़े बेवकूफ है, ले जा ये, ले जा 10 रुपया फ्री के। वो 10 रुपए में खुश हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं होगा, है ना। लेकिन एक झवेरी ने कहा, क्या सोच रहे हो भाई, 100 रुपया दे क्या? अब उसकी आंखें फटी, हम तो सोच रहे थे 10 रुपया में बिक जाए, जी तो 100 रुपया कह रहे हैं। अभी अब और सोच में पड़ गया, तो जवेरी ने सोचा 1 करोड़ का है, लगता है इसे ज्यादा कीमत चाहिए, 1000। अरे अब ये बताओ कि वो जो किसान है वो यदि 1000 में बेचे तो पुण्य का उदय है क्या नहीं? मान चलो वो अंदर में इमेज भी करे तो कितनी इमेज करे, 1 लाख 10 लाख, कब पुण्य का उदय आएगा बोलो उसे? पहले जब उसे 0 कीमत लगती थी तो 10 रुपया पुण्य का उदय लगता था, 100 रुपये पुण्य का उदय लगने लगा, 1000 रुपये पुण्य का उदय लगने लगा, 1 लाख। अब वो उसने जबीरी ने कहा 1 लाख। अब क्या हुआ, क्यों भाई बिना तुम उसकी जगह खड़े होते तो बेच देते कि नहीं बेचते? बेचते कि नहीं? विवेक क्या करते? विवेक से पूछो, विवेक की बात क्या करते बोलो, कि भैया जो आदमी 10, 100, 1000, 1 लाख कहीं ऐसा ना हो। उसने कहा मुझे नहीं बेचना भाई साहब, जाइए। इतनी ताकत कहां से आई, नहीं बेचना, ताकत कहां से आई? और उसे अब पुण्य का उदय क्यों नहीं लग रहा, जब वो 100 रुपए में फायदा हो रहा था, 1000 में फायदा हो रहा था, अब 1 लाख पर भी फायदा नहीं है। अब तो वो कहता है मैं तुम्हें नहीं बेचूंगा, पहले मैं पारखी से परखाऊंगा इसे कि वास्तव में इसकी वैल्यू क्या है, 1 करोड़ में भी नहीं बेचूंगा, पहले मैं परखूंगा और परखने के बाद बेचूंगा, बराबर है? ऐसे ही है चैतन्य भगवान हीरा, थोड़ी सी भीख मिल गई 5 रुपए 100 रुपए भिखारियों को 5 रुपए, हा भगवान नमो हरिहंताणम 5 रुपए, आज तो पुण्य का उदय आ गया। फिर थोड़ा 100 मिलने लगे, फिर थोड़ी गाड़ी बाड़ी लाड़ी, और पुण्य का उदय आ गया, और मस्त हो गया, और थोड़ा पुण्य का उदय आया, और मस्त हुआ, इंद्र का वैभव मिल गया। लेकिन अब ज्ञानी पुरुष को समझ में आ गई कि चेतन हीरा की कीमत कुछ और है, मैं ठगाने वाला नहीं हूं। और तब चक्रवर्ती की संपदा और इंद्र सरी खे भोग, सुना है? और काग बीट सम, काग बीट समझते हो, कौवा की बीट लेटरिंग, काग बीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लो, चक्रवर्ती की संपदा। तुम्हें तो ऐसा लगता है यदि मेरे को प्रधानमंत्री बना दे तो मजा आ जाए, तुम्हें तो प्रधानमंत्री बनने में लग रहा है, यहां तो कह रहा है 6 खंड की संपत्ति और इंद्र सरी खे भोग और कौवा की लेटरिन, गैया का गोबर नहीं, गैया की लेटरिन तो काम की है।
कौआ की बीट किसी काम की नहीं। काग बीट समगिनत हैं, जिनको भगवान आत्मा की दृष्टि हुई है वे जानते हैं कि ये पुण्य का उदय मेरी चीज नहीं है, इट इज नॉट माई वैल्यू, ये मेरी वैल्यू ही नहीं है। और जब तक इस भगवान तत्व की खबर नहीं है तब तक ही लगता है। तब तक ही लगती है, लीपा पोती करो, लीपा पोती खूब लीपा पोती करो, तब तक ही लगता है आई एम हीरो 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 कहेंगे हीरो। तुम भगवान होकर क्या, तुम क्या कह रहे बोलो एक बार। स्वभाव किसान मोख ये कैसे टिकेगी, एक बार स्वभाव जान लो। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं दे जा सकती। अभी मैं बहुत सारी बातों का जवाब दूंगा, अभी बहुत सारी बातों का जवाब दूंगा, जिन्हें लगता है कि लोग क्या कहेंगे, फ्रेंड सर्किल क्या कहेगा, हमारी कंपनी क्या कहेगी, कंपनी समझते, हमारा फ्रेंड सर्किल क्या कहेगा, हमारी एसोसिएशन क्या कहेगी, क्या कहेगी, क्या कहेगी, क्या कहेगी, बोलो क्या कहेगी। ए तुम नरक में नहीं जा रहे, हम सब तो जा रहे हैं, तुम नहीं जा रहे। कैसी बातें कर रहे हो तुम अलग। हम सब पुड़ियां खा रहे और कैंसर की तैयारी कर रहे हो, तुम अलग क्या। और हम मोटरसाइकिल 100 की स्पीड से चला करके एक्सीडेंट की तैयारी कर रहे हो, तुम अलग। तुम रूढ़िवादी हो क्या, 60 की स्पीड चलाते हो, 40 की स्पीड से चलाते हो, ये देख मालूम पड़ा कुलटैया खा गए पहुंच गए। क्या है, मूर्खों की दौड़ लग रही है और क्या है। सुना, जब एक्सीडेंट हो जाएगा तो वो जब हॉस्पिटल में 6 महीने करवट नहीं पलट पाओगे, ऐसे लटका दिए जाएंगे हाथ पांव तुम्हारे, ट्रैक्शन ऐसे लटका दिया जाएगा। और अब बोलो कौन आया तुम्हें पूछने के लिए, कौन मुस्कुराने आया, कौन देखने आया। एक बार फेफड़े खराब हो गए, गला खराब हो गया, एक खराब हो गए, फिर कहां गई तुम्हारी वो फ्रेंड सर्किल। रावण था ना, रावण, उसके चपरासियों के घर में रत्नों के प्रकाश हुआ करते थे, रत्नों का प्रकाश, तेल के दिए नहीं, घी के दिए नहीं, लाइट नहीं, रत्नों का प्रकाश। उसकी अंगूठी रक्षा करने वाले देव, अंगूठी की रक्षा करने वाले, उसके घोड़े की रक्षा करने वाले देव, सुंदर सुंदर रानियां, उसी भव से मोक्ष में जाने वाले पुत्र। और जब मरण करके तीसरे नरक में गया, कोई नहीं है, नंगा पड़ा हुआ है, नपुंसक शरीर है, काला शरीर है, चारों तरफ दुर्गंध है, लाखों बरस करोड़ों बरस कौन पूछेगा उधर आके, बोलो। बारह भावना, एक बहुत सुंदर बारह भावना, बारह भावना सुनाता हूं। तेरे सप्त व्यसन के यार, धीरे धीरे बोल रहा हूं, धीरे धीरे। तेरे सप्त व्यसन के यार जो करते प्यार, नरक में डार पकड़ गए रास्ता। समझ गए नहीं, बुंदेलखंडी है थोड़ी इसमें, बुंदेलखंडी तो नहीं है, यूपी की भाषा है इसमें। फिर से, तेरे सप्त व्यसन के, अरे खा यार, क्या यस करो यस, क्या 4 दिन की चांदनी, यस करो यस, यस करने का अर्थ माना था, यस यस क्या होता है, ए यस क्या होता है विवेक, अंग्रेजी जानते कि नहीं, क्या होती है यस, एंटरटेनमेंट नहीं होता, राख होती है, राख। ए लाइफ यस करो, लाइफ को खाक करो, खाक राख। नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया में एक सीरीज होती ना, यस, क्रिकेट की नहीं होती है, एक यस होते हैं। कहने का मतलब है भाई, बतलाने का मतलब क्या है,
तेरे सप्त व्यसन के यार जो करते प्यार नरक में डार पकड़ गए रास्ता सब भग गए मीर वजीर बांध कर बस्ता कोई पास वकील न आया। वकील समझते ना, वकील एडवोकेट नहीं, कदम कदम पर वकील मिलेंगे आपको घर 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 घर। अरे शादी कर लेना, व्यापार अच्छा करो ना, अरे सब चलता है नंबर दो, आजकल तो सब चलता है, तू दे देना नीचे से होटल में सब चलता है, खाओ सब चलता है। और एक तो टीवी पे विज्ञापन ही आता है वो, ठूस ठूस कर खाओ हाज मोला से बचाओ मैंने तो खाओ बीमार हो और फिर हाज मोला बिकेगी हमारी तो पचाओ। क्या जरूरत है खाने की, क्या जरूरत है खाने की। कोई पास वकील न आया जिनको मत कानून सिखाया तू पड़ा घोर दुख पाया नहीं किने हूं आन बचाया। सोच लेना, बड़ी शांति से सोचना बिल्कुल। तेरा हॉस्पिटल जाया करो, मैं आप नवयुवकों को एक सलाह दे रहा हूं सभी के लिए। मालूम गुरुदेव श्री क्या करते थे, वैराग्य के लिए जीत्री के हॉस्पिटल जाते थे, जीत्री के हॉस्पिटल देखते थे, कैंसर हॉस्पिटल गए देखते थे। एक एक लड़की को लाठी में 18 साल की लड़की को माता निकल आई, शीतला माता, चेचक इल्लियां पड़ गई शरीर में ऐसे भी। 18 साल की उम्र, गुरुदेव उसे देखने गए। अब रोवे, गुरुदेव मैंने आप हम्मा तो कहीं पाप करियो ना थी, आ क्या है क्यों हुआ, रड़े वाह। गुरुदेव इतना बैराग करते, इतना बैराग, अरे रे कौन बचावे, पाप करना बहुत सरल है भाई। कब तक जब तक अपने भगवान की खबर नहीं है, जब तक अपने प्रभु की खबर नहीं है, जब तक अपने स्वभाव की खबर नहीं, तब तक जिसको इसकी खबर पड़ जाए वो पाप नहीं कर सकता। उसे मालूम है ये दुनिया क्या करेगी, क्या करेगी, कहां तक साथ देगी। हमारे साथ भी ऐसा हुआ, मैं सर्विस करने गया तो वहां वो कह ले, अरे हमने तो बहुत जैनियों को देखा है, शुरू में सब ऐसे ही करते हैं, बाद में सब खाते हैं। मैंने कहा उसका नाम बताओ कि नहीं, एक था तुम्हें उसका नाम नहीं मालूम, लेकिन एक जैनी ने जैन शासन कलंकित कर दिया। जैनियों को सब चलता है। जैनियों का नाम किसी बोलो, इतनी बड़ी सभा में पहली बार रात्रि भोजन करने वाले का नाम बोलो, पहली बार होटल में खाने वाले का नाम बोलो, बताओ कोई को नाम मालूम है तो। ये नहीं मालूम, उस व्यक्ति का नहीं मालूम, लेकिन उस व्यक्ति के निमित्त से जो ये पावन ध्वजा, ये जिन शासन कलंकित हुआ, लोग कहते हैं कि जैनियों को तो सब चलता है। अब तो मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली, अब एक दिन मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन तुम अगले गांव जाओगे, अगले देश में जाओगे, जब तुम्हारा ट्रांसफर हो जाएगा तब तुम ये कहोगे कि एक जैनी था, वो उसको सब चलता था। तो मैं नहीं चाहता हूं मेरे निमित्त से बदनामी जैन शासन की हो, मैं नहीं चाहता हूं मेरे निमित्त से मेरे गुरुदेव बदनाम हो। और मैंने कॉलेज की नौकरी ज्वाइन जिस दिन की, और पहले मिनट का काम कि हमारे अनछने पानी का त्याग। क्यों कि आज मैं इस होटल में चाय पी लूं, वहां SC ST भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिंधी भी हैं, प्रोफेसर कॉलेज में, वे कहेंगे तुम होटल में तो चाय पी सकते हो, और हमारे मुसलमान के घर, हमारे घर में चाय नहीं पी सकते तुम। अब मैं किसको मना करूं, SC ST को मना करूं, किसको मना करूं, बोलो। पहला मिनट का काम है अनछने पानी का त्याग। चलो साहब चलो कैंटीन चलो, आपने आज ज्वाइन किया नौकरी, चलो चले गए।
जैन साहब पानी, जैसा अंशन पानी का त्याग है तो दूध तो चलेगा, उसमें भी अंशना पानी है। अच्छा नमकीन तो चल जाएगा, उसमें तो कुछ नहीं है, उसमें भी पानी। अब क्या करें, एक दिन के बाद पूरी लाइफ के लिए सुरक्षा हो गई। अब कोई नाराज नहीं है कि इनके यहां खाया और इनके यहां नहीं खाया, इनके यहां पिया और इनके यहां नहीं पिया, कोई नाराज नहीं। क्या कर लिया, क्या बिगड़ा? एक तरफ आनंद सिद्ध भगवान तुम्हें पहचानते हैं और एक तरफ इस विश्व में मुझे कोई पहचानता तक नहीं है। यदि थोड़ी बहुत पहचान है तो इस पॉलीथिन से क्या ज्यादा ज्यादा पहचान होगी इस तक, कितने बरस की। लेकिन सिद्ध भगवान मुझे जानते हैं और जब मैं नरक निगोद में चला जाऊंगा तो दुख कौन उठाएगा, कौन उठाएगा? बिल्कुल एक बात बहुत खुल के कही, इतनी चर्चा क्यों करी? कोई को भी ये नहीं सोचना कि मॉडर्निटी का नाश हो जाएगा, लोग आधुनिक नहीं कहेंगे, फ्रैंक नहीं कहेंगे और सब चलने दो। बहुत बिल्कुल सभी के लिए कहते हैं आप, सुनो जिनकी विल पावर स्ट्रांग होती है ना उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। ये हमारी विल पावर कमजोर है जो हम सोचते हैं कोई क्या कहेगा, क्या कहेगा? सर अब सब जहर खाएंगे तो हम खाएंगे क्यों? सब जहर खाएंगे तो अपन खाएंगे ही नहीं क्यों? फिर लोग क्या कहेंगे? लोग ओके ना, तो कोई दिक्कत नहीं, हम बिल्कुल। हा हा, अनंत सिद्ध भगवान क्या कहेंगे क्यों? ज्ञानी क्या कहेंगे? इस सोचो। हा हा बिल्कुल, एक भी पाप जीवन में होए कैसे? स्वभाव के सन्मुख अपनी कीमत नहीं है भाई, बराबर समझ आया? फ्रैंकनेस के नाम पर पाप करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। सुनो, थोड़े समय बाद वे ही प्रशंसा करते हैं, वे ही। और मैं आपको क्या कहें बताओ, वर्तमान में वाटर पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, एयर पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, बनाने वाले मालूम है कैसे हैं? बनाने वाले 80-90% जो बिल्कुल गरीब कैटेगरी के लोग हैं, जो डबल रोटी बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, तुम्हारी वो बाजार की नमकीन बनाते हैं, बिस्किट बनाते हैं, जो कुछ भी सब्जी जो भी बनाते हैं, भोजन बनाते हैं मार्केट में, आपको विश्वास नहीं होगा 80% उनमें से पब्लिक जो कुकिंग का काम करते हैं, बनाने का काम करते हैं, 80% भी ज्यादा कम कह रहा हूं, 90 भी कहूं तो मुझे आश्चर्य नहीं होना चाहिए, 90% पब्लिक शमशान में से आने के बाद कपड़े तक नहीं बदलती, 90% पब्लिक स्नान तक नहीं करती, मालूम है? क्या कह रहे हैं बोलो। और जो बनाने वाले होते हैं ना, बनाने वाले, उनको 8 घंटे काम करना है, बीच में चूना खाते जाएं और रोटी बनाते जाएं, क्या हुआ बोलो? अब थोड़ा कहां पूरी समझ लेना जा, बस कुल मिलाकर हमें तो हम भगवान हैं और भगवान ही रहना है हमें, हमें इससे नीचे होना ही नहीं है, समझ में आया कुछ? चलो तो अनंत, अब भगवान में और हमें क्या अंतर, क्या अंतर? कोई अंतर नहीं है, बराबर। आगे चलें तो अनंत सामान्य, अभी गजब बात देखो, ये अनंत सामान्य गुण और अनंत विशेष गुण में एक खास बात की चर्चा करनी है मुझे, ध्यान से सुनना। बता सकते हो कि भगवान में और हम में जो अंतर है, गुणों में तो नहीं है लेकिन पंडित जी पर्याय में तो अंतर है ना, बराबर? क्या प्रश्न कर रहे हैं हसमुख भाई? पर्याय में तो अंतर है ना, द्रव्य में अंतर नहीं, अनंत गुणों में अंतर नहीं, पर्याय में तो अंतर है ना? आपको पर्याय का अंतर सुनना है? सुनना है? सुना देता हूं, पर्याय में इतना सा अंतर है, ध्यान से सुनना, बिल्कुल भी मैं ओवर इमेज नहीं करा रहा हूं, एकदम ट्रुथ। भगवान सिद्ध और मेरे में इतना सा अंतर है कि 3 लोग को समुद्र बनाया जाए, समुद्र पानी से भर दिया जाए 3 लोग को, और इसकी एक बूंद गंदी है, बस इतना सा अंतर है सिद्ध भगवान में मेरे में, इतना सा अंतर, एक बूंद बराबर पर्याय गंदी, बाकी आपको जानकर आश्चर्य होगा
कि जैसे सिद्ध भगवान के अनंतों गुण उनकी पर्याय भी शुद्ध, ऐसे ही मेरी आपकी 99.9999999% गुणों की पर्याय एज इट इज सेम, बिल्कुल उतनी ही शुद्ध। सुनी कभी नहीं सुनी? आपको बिल्कुल जिनवाणी की साक्षी से बता रहा हूं ये बात, बिल्कुल कुछ भी अंतर नहीं है। ये जितना बड़ा एक दिखाई दे रहा है ना बॉडी वगैरह, इससे तुम्हें लगता है, वहां की ईमानदारी से देखा जाए तो उनमें और हम में प्रत्येक में से कह रहा हूं 99.99999% पर्याय हो, द्रव्य गुण पर्याय एकदम शुद्ध परिणम रही है। गुरुदेव श्री बताते हैं, सुनो, कि मात्र 18 या 21, कभी 21 सुनने में आए कभी 18, लेकिन अभी तक मुझे 21 नाम मिले नहीं है, 18 मिले हैं। मात्र अनंत गुणों के सामने 18 की कितनी गिनती है? क्या गिनती है? अनंत गुणों के सामने 18 गुणों की, तो अनंत गुणों की पर्याय भी शुद्ध, द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध, पर्याय शुद्ध, और मात्र 18 गुणों की पर्याय, और वो पर्याय भी कितनी देर की? ओनली कहां एक समय की एक बूंद बराबर कमी, और कहां अनंत गुणों का समुद्र भगवान आत्मा, अनंत पर्यायों की शुद्धता से भरा हुआ। अरे रे, इतनी सी पर्याय का लक्ष्य छोड़ दे, इतनी सी पर्याय का लक्ष्य छोड़ दे, भगवान आत्मा का समुद्र देख, अनंत गुणों का समुद्र देख। गुरुदेव श्री क्या कहते थे पता है? जैम जैम घना गंभीर समुद्र लहरा रहा हो और आंखों के सामने एक तिनका आ जाए। एक समुद्र कितना है? एक तिनका आंख की आड़ में जाए तो समुद्र कितना दिखता है? नहीं दिखता है तो समुद्र नहीं है, नहीं है। ऐसे ही एक समय की पर्याय को तू देखता है भिखारी को, तो अनंत गुणों का, अनंत निर्मल पर्यायों का समुद्र छिप जाता है। बन गई बात बात कुछ भी ना थी, कुछ भी ना थी, बेफिजूल हो गए। इतना इतना बड़ा ईमानदारी कहते हैं, एक इतना बढ़िया भजन है। काहे तुम, काहे तुम समझते हो? काहे तुम बिनु कारण दुख भोगो। हे भाई, आचार्य देव पुकारते हैं, विदेह क्षेत्र में सीमंदर देवा, भगवान कहीं ने बुलाए रहो रे, और पामर पाने क्यों जी रहो है। भगवान क्या के बुलाते हैं? भगवान क्या के, इधर आओ, इधर भगवान, पामर पाने क्यों जी रहे हो? काहे तुम बिनु कारण दुख भोगो, अक्षय अनंत। अक्षय अनंत समझते हो? पहले समझो इनको, नहीं तो अक्षय तो कोई और दिखाई दे क्यों? सुनो, अनंत समझते ना, अनंत तो अनंत 9 प्रकार का होता है, 9 प्रकार का। उसमें एक ऐसा अनंत होता है जिसका अंत नहीं होता, 9 अनंत में से 8 का अंत हो जाता है। क्या कहा? 9 अनंत में से 8 का तो अंत हो जाता है, लेकिन उनको अनंत कहते हैं। और एक 9वें नंबर का अनंत है, उसका नाम है अक्षय, माने कभी क्षय ना हो। जिस अनंत का कभी क्षय ना हो, अब तो समझ में आया? अक्षय अनंत सकति को स्वामी, तो मैं सुख को न टोटो, काहे तुम बिनु कारण दुख भोगो। आनंदमयी है अपनी प्रभुता, आनंदमयी है
अपनी प्रभुता सिद्ध समान अवलोको काहे तुम बिनु कारण दुख भोगो। समझ में आ रहा है हिंदी? हिंदी समझ में आ रही है? एक भैया भगवती दास जी हुए, भैया भगवती दास जी ब्रह्म विलास उन्होंने लिखा ना, ब्रह्म विलास, उन्होंने सिद्ध चतुर्दशी लिखी, सिद्ध चतुर्दशी। अब ऐसी चीजें याद आ रही बहुत पुरानी, हो पुरानी डेढ़ डेढ़ दो दो सौ ढाई ढाई सौ बरस पुरानी, इतनी सुंदर पंक्ति। अब उसको जब मैं उसका नाम आता है ना तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा पाठ है, पूरा पाठ अच्छा है, जोरदार। देख एक नाम क्या है, सिद्ध चतुर्दशी। नाम क्या है तो अपने को ऐसा लगे कि सिद्ध भगवान की गीत गाना है इसमें, चौदह छंद में सिद्ध भगवान की गीत गाना है। और शुरुआत कहां से हुई पता है? आत्म अनुपम हे दिखे आत्म अनुपम, ये शुरुआत शुरुआत आत्म अनुपम हे दिखे राग द्वेष बिना देखो भव्य जीव तुम आप में निहार के जेई गुण सिद्ध माही तेई गुण ब्रह्म माही। कठिन तो नहीं है? ए हिंदी समझ में तो आ रहा पीछे? जेई 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 जितने जेटलू जेई गुण सिद्ध माई तेई गुण ब्रह्म माई यहां वहां फेर नहीं देखिए विचार के। क्या बतावे अभी तक कौन सी पढ़ाई करी आप लोगों ने, मुझे तो बड़ा हैरत है सच में। ईमानदारी से हमारा दुख का एक भी दिन नहीं है। आप मुझे जिनवाणी का कोई पन्ना पढ़वा लो मेरे को दुख नहीं निकलेगा, क्योंकि दुख का कोई कारण नहीं है। क्यों बिना बात, क्यों बिना बात एक पर्याय की ओट में भगवान आत्मा पूरा छिपाते हो? है? चेतन रूप लखो निज मूरत, चेतन रूप लखो निज मूरत सूरत सिद्ध समान विचारो। क्या अर्थ हुआ? समझ आया कुछ बिना? समझ आया? चेतन रूप लखो निज मूरत, निज मूरत सूरत सिद्ध समान विचारो। जैसो शिव खेत बसे तैसो या ब्रह्म माई। क्या क्या इतना इतना लिखा, इतना पूछो मत, बहुत लिखा है। आप पूरा पढ़ने जैसा है वो पाठ, मैंने तो इस पर प्रवचन की, मुझे इतना आनंद आया, बहुत आनंद आया इस पर। अब फिर से सुनना, कहना क्या चाहते हैं लड़के लोग होते हैं ना, लड़के लोग तो सकल भली कोई से ना मिले, हीरो से ना मिले भले, लेकिन जब दर्पण देखे ना दर्पण अरीसा देखे ना अरीसा, क्या ऐसा लगे खुद ही खुद में लट्टू हो जाओ। अरे अरे प्रभु सुन सुन सुन, अंदर में तू भगवान है, तुम प्रभु हो, अनंत सामान गुण अनंत विशेष गुण कुछ भी अंतर नहीं है। और देखो दर्शन घड़ी तो कह रही हो गया टाइम, एक दृष्टान दे रहे बस फटाफट। एक लड़के को चक्रवर्ती की सुंदर कन्या का ऑफर आया, ऑफर समझ गए ना, ऑफर ऑफर आया, तो वो लड़का लड़की देखने गया, चक्रवर्ती की सुंदर कन्या देखने गया, तो बहुत रूपाणी बहुत सुंदर, लेकिन उसको एक छोटा सा तिल था इधर, तिल तिल समझते हो, काला तिल ऐसे। अब वो लड़का देखने गया ऐसे तो उन्होंने पूछा, भाई क्या बात है, क्या बात है, लड़की कैसी है, पसंद है कि नहीं है? काला तिल मुग्रक, काले तिल के चक्कर में तू इतनी सुंदर कन्या, इतना बढ़िया घर, चक्रवर्ती की कन्या छोड़ता है? ऐसे ही तुम मुक्ति रूपी वधु को छोड़ देते हो, एक समय की पर्याय की कमजोरी देखकर
अनंत गुण और उन अनंत गुणों की अनंत पर्याय निर्मल पर्णमने पर भी सिद्धों में और हमें ओनली 0.00001% का अंतर ओनली, वो भी एक समय का अंतर, वो भी इतने से के चक्कर में तुम अपने प्रभु को ठुकरा करके मुक्ति रूपी बधु को छोड़ देते हो। अरे रे, इसका नाम मिथ्यात्म है।